दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखी सबसे आगे सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव बलिया उत्तर प्रदेश से प्रभारी संजय राय की रिपोर्ट। पीड़ित चौकीदार ने सिकंदरपुर थाने पर तैनात इंस्पेक्टर क्राइम रामायण सिंह पर लगाया गंभीर आरोप। खबर बलिया जनपद के पकड़ी थाना क्षेत्र के गौरी गाँव की है, जहाँ चौकीदार के पद पर कार्यरत मनोज कुमार पुत्र विक्रमाराम अपनी पत्नी मंजू देवी व 4 माह की बच्ची प्रज्ञा पासवान को लेकर इलाज के लिए सिकंदरपुर अस्पताल अपने मोटरसाइकिल से जा ही रहे थे कि सिकंदरपुर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर थाना सिकंदरपुर पर तैनात इंस्पेक्टर क्राइम रामायण सिंह ने गाड़ी को रोककर अपने कब्जे में ले ली। इतना ही नहीं, 7,000 रुपए नकदी छीन लिए। जबकि पीड़ित ने अपना चौकीदार की आई कार्ड दिखाया, मगर जाति सूचक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। वार्ता के दौरान पीड़ित मनोज कुमार ने बताया कि मौके पर धरसरा गांव निवासी श्रीराम व 2-3 अन्य लोग भी मौके पर थे, लेकिन पुलिस की भय से कुछ बोल नहीं सके। बताया कि यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है तो इसके लिए मैं कुछ भी हद तक जा सकता हूं। मगर वही जब थाना प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर से जानकारी ली गई तो घटना के क्रम में बहुत कुछ बताया, जो वॉइस रिकॉर्ड में सम्मिलित है। सुन ना भूले, आइए सुनाते हैं पीड़ित चौकीदार मनोज कुमार की जुबानी। पीड़ित चौकीदार मनोज कुमार ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। से बलिया बात कर रहा हूँ, संजय राय सर जी। बताए सर, आपके यहाँ कोई रामायण सिंह दरोगा है क्या? हाँ हाँ, थाने से है या किसी अन्य विभाग से है? थाने पे ही है। थाने पर एसआई के पद पे है क्या? इंस्पेक्टर है। अच्छा, थाना प्रभारी निरीक्षक वही है? नहीं नहीं। हाँ, तो इंस्पेक्टर क्राइम है। अच्छा, इंस्पेक्टर क्राइम है। ओके ओके ओके, ठीक। क्या कोई पेपर ओपर है क्या? हाँ सर, एक शिकायत आई है कोई जी। तो अब यही हमको समझ में नहीं आ रहा था, पीड़ित बता रहा है कि वो क्राइम ब्रांच में है। हमने कहा क्राइम ब्रांच की टीम जो है थाने पर क्यों रहेगी भाई, विभाग भी अलग अलग होता है। दो इंस्पेक्टर जी, दो इंस्पेक्टर है यहाँ, एक इंस्पेक्टर क्राइम तहसील के थानों पे जहाँ है जी। किस विभाग में है शिकायत गई है? शिकायत ये चौकीदार की आई है क्या? कि वही रामायण सिंह ने मोटरसाइकिल, चौकीदार जो है उसके खिलाफ वहाँ पकड़ी में भी मुकदमा लिखा गया है। वहाँ भी एक दरोगा से भिड़ा था चुनाव के समय। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ पर भी जो है वो चेकिंग चल रही थी। अच्छा अच्छा, तो चौकीदार वो सिपाहियों से भिड़ गया। अच्छा, गाड़ी पर नंबर प्लेट पर नंबर, एक तो बिना नंबर की गाड़ी लिया था, बिना नंबर चेकिंग चल रही। हाँ हाँ, गाड़ी खड़ी है, सीज है, उससे ऑनलाइन सीज है। अच्छा, माने उस पर नंबर प्लेट नहीं है गाड़ी पर? हाँ हाँ, नहीं है। अच्छा अच्छा, नंबर प्लेट लगा, नंबर नहीं है। अच्छा, नंबर नहीं है जी जी। हाँ, तो यही बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मामला है। हाँ, नहीं गलत है वो चौकीदार, थोड़ा आसमान बिरादरी का है, तो कहता है कि हमको हम एससी कई लोगों को फंसा चुका है इस तरह से। हाँ, विभाग का चौकीदार है, तो अब उसमें हम लोग उस समय बचा दिया गया। हाँ हाँ, जाने दीजिए, नहीं तो कप्तान साहब से बताया गया तो उनका क्लिक करके दे दो, इसको खत्म करते, भगाते, नेतागिरी करने दो इसको। हाँ हाँ, जाति सूचक गाली का आरोप लगा रहा है। वो सब चूंकि वो पासवान बिरादरी का है, तो इसलिए हमेशा जो है उसी का वो लाभ लेने का प्रयास करता है। हाँ 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 हाँ, ये चीज़ ठीक है। उसके खिलाफ पकड़ी थाने में भी मुकदमा एक दर्ज है इसी तरह का, सब इंस्पेक्टर से भिड़ गया था। अच्छा अच्छा, पकड़ी थाना में जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद जानकारी के लिए जी जी, नमस्कार। हाँ, आप एक अपना परिचय बताएं। मनोज कुमार, निवासी गौरी, थाना पकड़ी, जनपद बलिया। क्या हुआ है आपके साथ, कौन सा मामला है? मैं अपनी पत्नी को दवा, बच्ची को लेकर दवा कराने के लिए जा रहा सिकंदरपुर। हाँ, तो दरोगा इंस्पेक्टर क्राइम के, हाँ, थाना में सिकंदरपुर में है। हाँ, वो हमारी गाड़ी रोक कर, हाँ, गाड़ी छीन ली और हमारी गाली देने लगे, मेरे पैसा भी निकाल लिए। पैसा कितना निकाल? 7,000 रुपया निकाल, छीन लिए। अच्छा, और गाड़ी लेकर चले गए। क्यों गाड़ी ले गए? गाड़ी बिना नंबर की थी क्या? नहीं, गाड़ी के नंबर की थी, EP60AX5185 नंबर है मेरी गाड़ी पर। गाड़ी पर लिखा हुआ है नंबर? जी, लिखा हुआ है सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो लेकर चले गए, गाली देने लगे, मेरी पत्नी
चाबी और पैसा मांगी गाड़ी तो गाली देने लगे उसको, जा सूचक दुसाधी साली माधर छो तुमको अभी जेल कर दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। कौन से जाति से आप आते हैं? दुसाध जाति हैं। अच्छा, तो जाति सूचक गालियाँ जी सर दरोगा जी ने दिया जी सर रामायण सिंह ने जी सर। अच्छा, तो अभी आप कहाँ आए हुए हैं इस वक्त? मैं आया हूँ सर यहाँ बलिया। अच्छा, तो इस घटना की शिकायत आपने कहीं की है? हाँ या सर, 1076 काल के लखनऊ। हाँ, उसके बाद 112 लगाए जी, मेरी बयान आकर घर पर 112 नंबर आकर बयान ली। हाँ, मैं बयान को पूरा पक्का कर दिया जी। उसके बाद मैं बलिया आकर रजिस्ट्री एसपी साहब को और डीएम साहब को रजिस्ट्री कर दिया हूँ। डीएम और एसपी दोनों जगह किया जी सर। अच्छा, कुछ आश्वासन मिला है या नहीं? आश्वासन अभी कुछ अभी नहीं मिला, अभी तो मैं अभी पत्र लिखकर रजिस्टर किया हूँ। अभी क्या चाहते हैं आप? मैं आगे कानूनी कार्रवाई चाहते हैं उन पर, ताकि हमारे जान माल के खतरा से सावधान हमको न्याय मिले। अच्छा,